ओम श्री गुरुवे नमः, ओम त्रिपुर सुंदराय नमः। यह सत्य है कि तंत्रों की भावना विशुद्ध आचार पद्धति के वास्तविक ज्ञान के अभाव से ही लोगों में इसके प्रति घृणा उत्पन्न हुई है और कुछ स्वार्थी लोग तुच्छ क्रियाओं व आडंबरों द्वारा जनसामान्य को तंत्र के नाम पर ठग लेते हैं। वास्तव में तंत्र एक स्वतंत्र एवं महत्वपूर्ण शास्त्र है जो कि पूजा आचार पद्धति का परिचय देते हुए इच्छित तत्वों को अपने अधीन बनाने का मार्ग दिखलाता है। यह साधना शास्त्र है। इसमें साधना के अनेक प्रकार बतलाए हैं। इसमें देवताओं के रूप, गुण, कर्मादि के चिंतन की प्रक्रिया बतलाते हुए पटल पद्धति, कवच, नाम व स्त्रोत पांच अंगों वाली पूजा का ही विधान बताया गया है। तो वो क्या क्या है? एक है पटल, दूसरा है पद्धति, तीसरा है कवच शक्ति, चौथा है सहस्त्रनाम शक्ति और पांचवा है स्त्रोत शक्ति। आइए अब इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या क्या हैं। पहला है पटल। इसमें प्रधानतः जिस देवता का पटल होता है उसका महत्व इच्छित कार्य की शीघ्र सिद्धि हेतु जब होम यानी कि हवन आदि की सूचना का निर्देश रहता है, इसके साथ ही यदि मंत्र स्थापित है तो उसका उत्कीलन आदि भी बताया जाता है। देखिए, मैं आपको ये संक्षेप में बता रहा हूँ, आपको मैं पूर्ण विधि वगैरह यहाँ पर नहीं बताऊँगा, वो आप अपने गुरु से वो करें, क्योंकि ये सभी कुछ बहुत ही गौण है। मैं तो आपको आधा परसेंट भी नहीं बता पा रहा हूँ उसका। दूसरा है पद्धति। इसमें साधना के लिए शास्त्रीय विधि का निर्देश होता है। इसमें प्रातः दैनिक क्रिया से लेकर पूजा व जप समाप्ति तक के मंत्र तथा विनियोग आदि का पूरा पूरा वर्णन रहता है। इस प्रकार नित्य पूजा और नैमित्तिक पूजा दोनों का प्रयोग तथा कर्मों की सूचना प्राप्त होती है। तीसरा है कवच। प्रत्येक देवी देवता की उपासना में अनेक नामों के द्वारा उनका अपने शरीर में निवास तथा रक्षा की प्रार्थना करते हुए जो न्यास आदि किए जाते हैं वे ही कवच होते हैं। तब ये कवच पाठ द्वारा सिद्ध हो जाते हैं तो साधक किसी भी रोगी पर इनके द्वारा झाड़े फूंकने की क्रिया करता है और उससे रोग शांत हो जाते हैं। कवच को भोज पत्र पर लेपन, पानी का अभिमंत्रण, यंत्र तथा अन्य वस्तुओं को अभिमंत्रित करने का कार्य इन्हीं से होता है। देखा होगा आपने, पानी पढ़ के किसी को दे देते हैं, फूंक से किसी को ठीक कर देते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है सहस्त्रनाम। उपासना किए जाने वाले देव के 1000 नामों का संकल्पन इसमें रहता है। ये सहस्त्रनाम ही विविध प्रकार की पूजाओं में स्वतंत्र पाठ के रूप में प्रत्येक प्रयुक्त होते हैं। ये नाम अत्यंत रहस्यपूर्ण देवताओं के गुण कर्मों का आलेखन करने वाले व सिद्ध मंत्र स्वरूप होते हैं, इसलिए इनका भी अनुष्ठान होता है। और पांचवा है स्त्रोत। आराध्य देव की स्तुति ही स्त्रोत कहलाती है। प्रधानतः स्त्रोत में गुणगान व प्रार्थना रहती है, परंतु कुछ सिद्ध स्त्रोतों में मंत्र प्रयोग आदि भी गुप्त संकेतों द्वारा बतलाए जाते हैं। उपयुक्त पांच अंगों से पूर्ण शास्त्र ही तंत्र शास्त्र कहा जाता है। तंत्र मंत्र विज्ञान के कुछ साधकों का विश्वास है कि वैदिक मंत्र विष रहित सर्पों के समान निर्जीव हो गए हैं। वे त्रेता द्वापर में सफल थे पर अब कलयुग में मृतक समान। जिस प्रकार दीवार में सर्व इंद्रियों से युक्त पुतलियां असक्त होती हैं, ठीक उसी प्रकार तंत्र से अतिरिक्त मंत्र समुदाय आसक्त है। कलयुग में अन्य शास्त्रों द्वारा कथित मंत्र से जो सिद्धि चाहता है वह अपनी प्यास बुझाने के लिए गंगा के पास रहकर भी दुर्बुद्धिवश वह कुआं खोदना चाहता है। कलयुग में तंत्रों में कहे गए मंत्र सिद्ध हैं तथा शीघ्र सिद्धिदायक तथा जप यज्ञ व क्रिया में भी प्रशस्त हैं। मत्स्य पुराण में लिखा है कि देवों में विष्णु, सरोवर में समुद्र और नदियों में गंगा और पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, वैसे ही समस्त शास्त्रों में तंत्र शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है। वह सर्व कामनाओं को देने वाला है। इसी तरीके से जो है, अब हम बात करते हैं कि तंत्र का जो है वो क्षेत्र,
इस विद्या का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय आते हैं, जैसे सृष्टि, प्रलय, मंत्र साधना, देवताओं के लोक, तीर्थ, चारों आश्रम, ब्राह्मण वर्ण, अन्य तीन वर्ण भी, और मंत्र विद्या, कल्प वर्णन, ज्योतिष, पुराण, व्रत उपासना, नित्य कर्म, समाज सेवी, राजनीति, शरीर विज्ञान, स्त्री पुरुष के संबंध, दान पुण्य, लोकाचार और आध्यात्म, यहाँ तक कि योग साधना से लेकर मोक्ष तक तंत्र शास्त्र के प्रेरित भगवान शिव माने जाते हैं। किसी ने किसी रूप में सभी हिंदू संप्रदाय इस मान्यता का पोषण करते हैं। यही कारण है कि समस्त तंत्र साधक भगवान शिव को अपना आदिदेव स्वीकार करते हैं। इस शास्त्र में एक विरोधाभास भी है। तंत्र साहित्य की रचना परिणाम की दृष्टि से आश्चर्यजनक है। खेद है कि सैकड़ों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, केवल उनके नाम का उल्लेख मिलता है। विदेशी आक्रमकों ने यहाँ की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए ग्रंथनाश का अस्त्र अपनाया था, फलतः अनेक दुर्लभ पांडुलिपियाँ उनके द्वारा भस्मीभूत हो गई। दुर्लभ ग्रंथों की प्राप्ति जो है वो तंत्र शास्त्र के ग्रंथों की सूची बनाना सहज नहीं है, अपितु यह कार्य अत्यंत कठिन है। फिर भी हम देखते हैं कि दो चार नाम इतने प्रचलित और विख्यात हैं कि इनके द्वारा ही तंत्र संबंधी प्रचुर लेखक की सत्यता सिद्ध हो जाती है। इस संदर्भ में मैं आपको कुछ जो ग्रंथ हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें महासिद्ध सार तंत्र है, कुलावर्ण तंत्र है, वाराही तंत्र है, रुद्यामल तंत्र है, शक्ति मंगल तंत्र है, आगम द्वैत निर्णय है, आगम तत्व विलास तंत्र सार, शंकर तंत्र, शारदा तिलक। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि तंत्र साहित्य की प्रचुरता का अनुभाग इसी तथ्य से हो जाता है कि विभिन्न संप्रदाय के अंतर्गत तंत्र ग्रंथों की संख्या इस प्रकार बतलाई गई है। विष्णु क्रांत जो है उनके तंत्र के प्रकार 64 हैं, रथ क्रांता के 64 तंत्र, अश्वक्रांता के 64 तंत्र, शिवजी द्वारा वर्णित 23 तंत्र, मूल तंत्र में वर्णित 64 तंत्र, अन्य साक्ष्यों द्वारा 64 तंत्र, बौद्ध साहित्य में 55 तंत्र और संकलन ग्रंथ 16 से अधिक। हम देखते हैं कि लगभग 501 तंत्र ग्रंथों का पता चलता है। और भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, पर जो मुझे जानकारी है मैं उसके आधार पर आपको बताना का करता हूँ। हर एक नया साधक व्यक्ति मंत्र तंत्र विद्या को पकड़कर उस पर अनेक प्रकार के अभ्यास शुरू कर देता है तथा धड़ाधड़ विज्ञापन और बनावटी उपलब्धियाँ प्राप्त कर प्रसिद्ध होने लगता है। यह कोई साधारण विद्या नहीं है। जो कोई पंसारी की तरह हर जगह दुकान पर लगाकर अपनी विद्यता दिखलाना शुरू कर दे, इस विद्या को प्राप्त कर पाना अपने आप में कुछ महत्व रखता है। अपने आप को समाज से ऊपर रखने वाले महान साधकों की पंक्ति में रखना होता है। मंत्र सिद्धि कर लेना भी इतना आसान कार्य नहीं है कि उसके मन में आया वह कर ले। मंत्र उपासना का व्यापक प्रभाव देखते हुए मनुष्यों ने मंत्र के 10 प्रकार के कर्म चुने हैं। कहने का अर्थ है कि मंत्रों के माध्यम से 10 तरीकों से सिद्धियां की जा सकती हैं। इन 10 कर्मों के आधार पर संपूर्ण मानव समाज एकत्र होकर एक साथ मिल जाता है, क्योंकि समस्त मानव समाज इन 10 श्रेणियों के अंतर्गत अपने सभी मूल समस्या प्राप्त कर सकता है। अब आइए तांत्रिक मंत्र द्वारा संपादित होने वाले 10 कर्मों का भी विश्लेषण कर लेते हैं। पहला है शांति कर्म। जो मंत्र जप मनुष्य को भौतिक व्याधियों, रोग, आतंक से मुक्ति प्रदान करता है उसे शांति कर्म कहा जाता है। सदा शुद्ध मन और भावना के साथ जप करना और इस आराधना के समय कोई लालसा और आकांक्षा न हो, वह विशुद्ध शांति कर्म के नाम से जाना जाता है। दूसरा है स्तंभन कर्म। इस कर्म में मंत्र के जाप की शक्ति से मंत्रकर्ता किसी व्यक्ति, पशु पक्षी एवं अन्य प्राणियों के कार्य एवं गति को स्थिर कर दे, उसकी चंचलता पर नियंत्रण करके उसे शांत स्थिर कर दे, तो इस कर्म को
स्तंभन कार्य कहते हैं। मोहन, वह प्रयोग जिसमें मंत्र के प्रभाव का अभिष्ट स्त्री पुरुष पशु पक्षी अन्य जीव उपासक के प्रति सम्मोहित हो जाए, मोहन क्रिया कहलाता है। आजकल प्रचलित विद्या हिप्नोटिज्म इसी विद्या का एक अंग है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आगे तंत्र को समझने में कोई दिक्कत ना हो। आपको एक तरह से जहाँ मैं जैसे उच्चाटन कहा, मोहन कहा, शांति कर्म कहा, आकर्षण कहा, तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाए। उसके बाद उच्चाटन, मंत्र के प्रयोग से जब किसी व्यक्ति को भयभीत, विचलित, पागलों के समान आचरण करने वाला बना दिया जाए तो इस प्रयोग को उच्चाटन क्रिया कहते हैं। वशीकरण, मंत्र शक्ति द्वारा किसी को अपने प्रति वशीभूत करने की क्रिया वशीकरण अथवा वैश्य कर्म कहलाता है। वश में कर लेते हैं ना, तो उसे वशीकरण। आकर्षण, अगला है आकर्षण, किसी जानकार प्राणी के प्रति ऐसा मंत्र प्रयोग करना जिससे वह स्वयं आकर्षित होकर उपासक के पास आ जाए, उसे आकर्षण कर्म कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक कथा सुनाना चाहता हूँ कि थोड़ा बचकर भी रहना चाहिए। एक ये सत्य घटना है जो मेरे मित्र के साथ घटी थी। वो गांव में रहा करते थे तो दो तांत्रिक आए, और जैसे स्त्रियां गांव में साधुओं को या उन्हें आटा वगैरह देती हैं, वो आटा देने के लिए गईं, तो वो जो है उन्होंने कहा माई तेने हमें आटा दिया है, तो उन्होंने कहा तू कटोरी ले, कहा कटोरी में उन्होंने जल दिया कि इस जल को तू पी ले, और पीने के बाद जो है तुम जो है तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी। तो उसने वो जल पिया तो नहीं, लेकर रख लिया। इतने में उसकी सास और पति आ गए वहाँ पे, जो हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा क्या तुम उनके चक्करों में पड़ रहती हो, और वो जो जल था वो उसने फेंक दिया। वो जो है जल जीप पर जाकर पड़ा, उनके पास जीप है तो उस पर गिरा, वो ज़मीन पर ना गिर के वो गाड़ी के ऊपर गिर गया। कोई बात नहीं, उन्होंने तो वो निकल गई। रात को आप यकीन नहीं करेंगे, रात को 12 बजे वो जीप खुद स्टार्ट होकर और शमशान में उन तांत्रिकों के पास पहुंच गई। तो इस तरह से ये आकर्षण होता है, इनसे थोड़ा बचना भी है, क्योंकि हर तरह का समाज में व्यक्ति होता है, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, दोनों का संतुलन बना रहना चाहिए। अब है जुम्भर्ण, उपासक जब मंत्र शक्ति से वशीभूत होने वाले प्राणी द्वारा अपने मनोकूल व्यवहार एवं आचरण या व्यवहार कराता है, मतलब कि ये ऐसा करे, किसी को पीटने जाए, मारने जाए, ये मेरे अंडर में काम करे, तो उसे जुम्भर्ण क्रिया कहते हैं। विदूषण, किन्हीं संबंधियों के बीच विरोध की मनह स्थिति, यानी कि दो लोगों के बीच में लड़ाई उत्पन्न करने वाली मंत्रिक क्रिया विदूषण कहलाती है। उसके बाद आता है मारण, मंत्र की शक्ति के प्रभाव से किसी प्राणी का प्राणांत यानी कि उसे मार देना मारण क्रिया कहलाती है। और फिर है पौष्टिक, साधक द्वारा मंत्र बल का अवलंब लेकर धन धान्य यश संपन्न कीर्ति वैभव आदि की बुद्धि करना पौष्टिक कर्म कहलाता है। यहाँ एक बात विशेष रूप से कहने की है कि किसी भी कार्य सिद्ध हेतु उससे संबंधित मंत्र किसी योग्य गुरु की दीक्षा से ही प्राप्त करना चाहिए। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बिना गुरु के संभव नहीं है, क्योंकि ये जितने मंत्र होते हैं ये कोडेड होते हैं, कोड लगा होता है, एक ताला लगा होता है, जिसकी चाबी आपको गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि मंत्र दान के समय गुरु उसके प्रयोग का विधि विधान साधक को समझा देता है। ये नहीं आपने वो मंत्र YouTube पे देखा आप लग गए उसमें, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये बहुत उल्टी चीज़ें होते हैं। पहले इसमें बचाव करना होता है, उसके बाद कोई भी हम वो करते हैं इसमें। यंत्र संबंधी ग्रंथों के शुभारंभ हेतु भिन्न भिन्न समय नक्षत्र वार काल दिनों का उल्लेख है, जिन्हें सीखना ध्यान में रखना होगा, याद रखना पड़ेगा। चैत्र को मलमास कहा गया है, तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ इसके विषय में। नक्षत्र जो है वो अश्वनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वास, पुष्य, माघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति आदि,
और दिन जो है इसमें यूज जो करते हैं ज़्यादातर रविवार का, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, और तिथि जो है वो पूर्णिमा की, द्वादशी, एकादशी, दशमी, सप्तमी, पंचमी, तृतीया, द्वितीय। तंत्र शास्त्र में कुल 18 सिद्ध विद्याओं का वर्णन है, उनमें से 10 महाविद्याएं होती हैं। महाविद्याओं को दो भागों में विभक्त करते हैं कुछ लोग। अब तुम इन्हें पूरी 10 महाविद्याएं भी कह सकते हो, पर कुल के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक कुल जो है वो काली का कुल है और एक श्री कुल है। पहला जो है वो काली कुल और दूसरा श्री कुल। हालांकि अगर आप देखेंगे तो पहली सबसे जो देवी हैं वो काली हैं, जिनका बहुत ही भयंकर रूप है, और फिर जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे ललिता त्रिपुर सुंदरी तीसरी हैं, वो 16 साल की षोडशी भी उन्हें कहा जाता है। ऐसे होते होते नीचे तक हम आते हैं, ताकि आपकी, क्योंकि मनुष्य की जो है बाकी सभी वासनाएं तो समाप्त हो जाती हैं एक बार को, धन की, पद की, इसकी, पर काम वासना समाप्त नहीं हो पाती, काम वासना रहती है। तो उसके लिए इसमें देवी के जो रूप हैं वो घटते जाते हैं, यानी कि वो बाद में एक देवी, एक छोटी बच्ची के रूप में आ जाती हैं। ज्ञान वृद्धि हेतु तथा इसे और अधिक सरल बनाने की दृष्टि से दोनों भागों को अलग अलग विभक्त करता हूँ, है ना। काली कुल के अंतर्गत आती हैं, पहली है काली, दूसरी है तारा, तीसरी है भुवनेश्वरी, चौथी है छिन्नमाता, छिन्नमस्ता। और श्री कुल के अंतर्गत है, पहली जो है त्रिपुर सुंदरी, दूसरी है भैरवी, तीसरी है बंगला, चौथी है कमला, पांचवी है धूमामती और छठी है मातंगी। साधक इन महाविद्याओं के तंत्रों को ग्रहण कर सकता है, तथा इसके लिए अब यह प्रश्न नहीं बचेगा कि कौन सा मंत्र किस विद्या का है, और मंत्र के पहले अक्षर वाले नाम का प्रथमा अक्षर कुलाचक्र चक्र अनुसार जो आगे स्पष्ट कर रहा हूँ एक कोष्टक में हो तो मंत्र साधक को कुल का होता है और साधक अवश्य सफल होता है। उसके लिए जो कुलाकुल चक्र है वो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर देता हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा नहीं, क्योंकि ये सभी विधियाँ गुरु के द्वारा ही बताई जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, और इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझे भी कमेंट करेंगे कि आप ही बता दें, देखिए मैं इस योग्य नहीं हूँ पूर्ण रूप से, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह ही एक साधक हूँ, ये मैं बस आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इसलिए आप एक योग्य गुरु की तलाश करें और योग्य गुरु से ही ये दीक्षा लें पूर्ण रूप से। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय माई।